उत्तराखंड के वीरों की शौर्य गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती हैं। ये कितने स्वाभिमानी थे और किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया, आइए बताते हैं आज आपको यही सब कुछ। बात शुरू करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। चंद्र सिंह के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चंद्रपुर गढ़ के थे। इनके पिता जलोट सिंह भंडारी अनपढ़ किसान थे। इनको गढ़वाल राइफल्स का वो जवान कहा जाता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया और अंग्रेजों को जीत दिलाई। इनको भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में भी याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्ते पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। बिना गोली चले, बिना बम फटे पेशावर में इतना बड़ा धमाका हो गया कि एकाएक अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। पंडित बद्रीदत्त पांडे एक भारतीय इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बाद में स्वतंत्र भारत में अल्मोड़ा से संसद सदस्य थे। गोविंद बल्लभ पंत के साथ यह कुमाऊं के अग्रणी राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता था और इस क्षेत्र में कुमाऊं केसरी के रूप में याद किया जाता है। यह उपाधि 1921 में कुली बेगार आंदोलन के बाद दी गई। यह अल्मोड़ा अखबार नामक एक समाचार पत्र के संपादक थे जिसे ब्रिटिश नौकरशाही ने सरकार विरोधी रुख के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन शक्ति नामक एक नया समाचार पत्र शुरू करने के लिए धन जुटाया। हरगोविंद पंत, इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को पंत ने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये 1930, 1932 और 1940 में अनेकों बार जेल गए। पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा में विधायक रहे। 1952 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के 12 रानीखेत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव में भाग लिया। पंडित हरगोविंद पंत देश के संविधान सभा के सदस्य थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले उपसभापति भी रहे तथा वे अल्मोड़ा से सांसद भी रहे। उनके द्वारा कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। हरगोविंद पंत का निधन मई 1957 में हुआ। कालू मेहरा, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। कालू सिंह मेहरा का जन्म चंपावत जिले के लोहाघाट के समीप धुआ मेहरा गांव में 1831 में हुआ था। कालू सिंह मेहरा ने अपने युवा अवस्था में ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड के काली कुमाऊं यानी वर्तमान चंपावत जनपद का अप्रतिम योगदान रहा है। स्थानीय जन इतिहास के आधार पर माना जाता है कि लोहाघाट के निकटवर्ती सुई बिसुम इलाके के लोगों की स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका रही थी। इनमें कालू सिंह मेहरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। स्थानीय लोग इन्हें प्रमुखता कालमा रज्जू के नाम से जानते हैं। तो ये थी उत्तराखंड के कुछ वीरों की किस्से कहानियाँ। कुछ इसी तरह की रोचक जानकारियाँ हासिल करने के लिए जुड़े रहिए उत्तराखंड की नौनी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।